दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आपने कभी सुना है कि एक जगह पर मुसलमानों ने मस्जिद को ही ढा दिया हो? पहले तो आपने कई खबरें सुनी होंगी कि कोई मुट्ठी भर लोग आए जो दंगा फैलाना चाहते थे, उन्होंने मस्जिद पर हमला कर दिया, मंदिर पर हमला कर दिया और उसे गिरा दिया। मगर कहीं आपने ऐसी खबर सुनी कि जिसमें मुसलमानों ने खुद अपनी मस्जिद को ही ढा दिया, खुद अपनी मस्जिद को ही उन्होंने शहीद कर दिया? नहीं सुनी होगी। आज की खबर कुछ ऐसी ही है जहां मुसलमानों ने अपनी बनाई हुई मस्जिद, जहां पर वो नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे, उस मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया है, ढा दिया है। आपको मैं पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया है और ये कहां की खबर है। द क्विंट जो मीडिया पोर्टल है, उन्होंने इस बात की छानबीन करी कि क्या ये बात सच है कि मुसलमानों ने अपनी बनाई मस्जिद को ढा दिया है। उन्होंने सब चीज़ें इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी बातचीत की, वहाँ के जो लोग थे रहने वाले उनसे भी बातचीत की, तो इसका क्या पूरा लेख है जो कर निकल कर आया, मैं आपको बताता हूँ। मुजफ्फरनगर की ये खबर है। मुजफ्फरनगर में मस्जिद गिराने के पीछे की हकीकत क्या है, तो चलिए इस बारे में पूरी सब चीज़ें आराम से जानते हैं, पूरी बात क्या है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली टाउन में मस्जिद गिराए जाने की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, लेकिन इनमें लगाए जा रहे आरोप ज़मीनी हकीकत को सही तरीके से नहीं दिखाते। ये समझने के लिए मस्जिद को क्यों गिराया गया, द क्विंट जो वेब पोर्टल है, उन्होंने स्थानीय लोगों, प्रत्यक्ष दर्शियों, उस ज़मीन के पुराने मालिक, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन सब वगैरह जो रिलेटेड लोग थे, लेना देना जिनका था इस ज़मीन से, इस मस्जिद से, उन सब से बातचीत करी है द क्विंट ने। और इसका क्या लेखा जोकर निकल कर आया, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें ये पाया जाता है कि मस्जिद को स्थानीय लोगों ने वक्फ की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड या स्थानीय प्रशासन की इजाज़त के बिना बनवाया था। हमें पता चला कि स्थानीय लोगों से हफ्तों तक मस्जिद के अवैध होने के बारे में बात की गई थी। हमें ये भी पता चला कि ज़मीन के पुराने मालिक और स्थानीय लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मस्जिद बिना अनुमति के बनी थी और प्रशासन के दबाव में उन्होंने खुद मस्जिद को गिराने का फैसला लिया है। ज़मीन के मालिक रहे काजी नबील ने क्विंट को बताया कि 40 साल पहले उनके परिवार ने इस ज़मीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान किया था। उन्होंने कहा, मस्जिद को ढाए जाने की प्रक्रिया में हमने टीन की चादरें और नमाज पढ़ने वाली कालीनें बचा ली हैं, उसे हम दूसरी मस्जिदों में इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो आखिर इस ज़मीन की, जिस पर मस्जिद बनाई गई थी बिना इजाज़त के, प्रशासन के बिना इजाज़त के, उसकी हकीकत क्या है, वो ज़मीन क्यों दी गई थी, उस पर क्या बनाने की इजाज़त थी? देखिए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो चल रही हैं, ये उसी खतौली टाउन मुजफ्फरनगर की है जहाँ ये मस्जिद को मुसलमानों ने अपने हाथों से शहीद किया है। आज से लगभग 40 साल पहले जब नबील के परिवार ने उस ज़मीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान दिया था, तो वह अलल खैर के तहत दी गई थी। खुद वक्फ का मतलब है अब आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं, और अलल खैर का मतलब होता है कि आपने यह ज़मीन जन कल्याण के उद्देश्य से दी है। इस मामले में ज़मीन के इस्तेमाल का उद्देश्य कब्रिस्तान बनाने का था, यानी उस ज़मीन को कब्रिस्तान बनाने के लिए दान दिया गया था, मगर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से मस्जिद बना दी गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा, यह तथ्य है कि यह ज़मीन हमारे पास कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत कराई गई थी। यह भी सच है कि बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। आगे भविष्य में मस्जिद बनाने के पहले उन्हें बोर्ड और प्रशासन से इजाज़त लेनी चाहिए, अगर अनुमति ली होती तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती। नबील और उसके परिवार ने यह स्वीकार भी किया है कि उन्होंने या स्थानीय लोगों ने ज़मीन पर मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड या स्थानीय प्रशासन की इजाज़त नहीं ली थी। नबील ने द क्विंट से ये बात कही कि वहाँ एक कब्रिस्तान था तथा उस पर अस्थाई मस्जिद बना दी गई थी। वह पूरी तरह मस्जिद भी नहीं बनी थी, हमने प्रशासन से मस्जिद बनाने की इजाज़त ले ली होती, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन और कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी। यानी ये पूरा मामला प्रशासन और मुसलमानों, सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच का है, जिसमें एक ज़मीन जो 40 साल पहले एक परिवार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान में दी थी कब्रिस्तान बनाने के लिए, वहाँ पर अपनी मनमर्जी से मस्जिद बना ली जाती है, मगर जैसे ही इस पर एक्शन लिया जाता है, प्रशासन दबाव डालता है, तो मुसलमान अपने ही हाथों से, जिन हाथों से उन्होंने मस्जिद को बनाया था, उसी हाथों से मस्जिद को वो ध्वस्त कर देते हैं। नबील ने बताया कि उन्हें कुछ वक्त से इन प्रशासनिक मामलों की जानकारी लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से इस बारे में बातचीत शुरू करी।
नबील ने कहा, प्रशासन ने हमसे कहा कि हमें मस्जिद बनाने के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत थी और हम मानते हैं कि हमारे पास अनुमति नहीं थी। इसलिए पहले ही स्थानीय लोगों को बता दिया गया था कि मस्जिद को ढाया जाने वाला है। 23 मई को इमारत गिराए जाने के दौरान नबील उस जगह पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव के चलते स्थानीय लोगों ने खुद इकट्ठा होकर मस्जिद गिरा दी थी। इस मामले में मुसलमानों में क्या भावनाएं थी, मुसलमानों में क्या गुस्सा था जब उनके सामने उनकी इबादत की जगह मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, तो मुसलमान आखिर वहाँ कर क्या रहे थे। देखिए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए प्रत्यक्षदर्शी काजी कलीफ और स्थानीय निवासी अमीर अंजुम से बात की गई थी। इसमें स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिद ढाए जाने के एक दिन पहले यानी 22 मई को प्रशासन ने वहां आकर पूछताछ की थी। कलीफ ने कहा, उन्होंने आकर पूछा कि मस्जिद बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने कहा, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने उन्हें बताया कि कैसे सब लोगों ने मिलकर यह मस्जिद बनाई है। वह स्थानीय लोगों को बताते रहे कि कैसे यह मस्जिद बिना अनुमति के बनी है। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ लोग गुस्सा हो गए, जबकि दूसरे लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के चलते डर गए थे और वो वहाँ से भाग गए थे। उन्होंने हमें धमकाया और कहा कि अगर हम खुद इसे नहीं गिराते हैं तो उन्हें मशीन का उपयोग करना पड़ेगा और वह हमारे खिलाफ मामला भी दर्ज करेंगे। लोग डरे हुए थे, गुस्से में भी थे, हम जेल भी नहीं जाना चाहते थे, हम लोग बिना स्थायी रोज़गार वाले गरीब लोग हैं। आखिरकार हमें प्रशासन की बात को मानना पड़ा। भावुक होते हुए कलीफ ने बताया कि वे जानते थे कि उनके पास अनुमति नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें मस्जिद तोड़ने के लिए बोलने के पहले अपनी बात रखने का हक दिया जाता। मस्जिद में नमाज सिखाते थे, कुरान सिखाते थे, दीन की बात करते थे, हमारे लिए वह एक पाक जगह थी। इसमें जो SDM है खतौली के, वो क्या कहते हैं, वो इस मामले में अपनी राय पेश करते हुए कहते हैं, जहां कलीफ ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं दिया गया, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने इस दावे को सिर से नकार दिया है। खतौली के SDM हैं इंद्रकांत द्विवेदी, वो द क्वीन से ये कहते हैं, 1 मार्च से ही जब क्षेत्र में कुछ काम हो रहा था, प्रशासन उस क्षेत्र में गया और उन्हें बताया कि वह ये कंस्ट्रक्शन अवैध है। प्रशासन का यह आना जाना बहुत दिनों से हो रहा है। इस बार की तरह उस समय भी उन्होंने यह स्वीकार किया था कि कंस्ट्रक्शन अवैध था। जैसे ज़मीन के पुराने मालिक ने भी बताया है, ज़मीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान बनाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह स्थायी मस्जिद बना दी गई। इसी बात को दोहराते हुए मुजफ्फरनगर के अल्पसंख्यक कार्य अधिकारी ने बताया कि ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी जिस पर अवैध मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने कहा, हमने उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया और उनसे बातचीत भी करी, उन्होंने माना था कि निर्माण अवैध है, इसके बाद उन्होंने उसे ढा दिया। SDM द्विवेदी ये कहते हैं कि जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो हमने उनसे बातचीत की और पूछा कि क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड को लिखा है, क्या उन्होंने नक्शे को पास करवाया है, क्या उन्होंने ज़िला प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वह खुद संरचना को हटा देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। SDM द्विवेदी ने आगे कहा कि जिन्होंने मस्जिद को गिराया था वह मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि निहित स्वार्थ वो वाले लोग बयान दे रहे हैं और क्षेत्र की शांति में बाधा डाल रहे हैं। ये पूरा मामला मैंने आपको बताया मुजफ्फरनगर के खतौली टाउन का है, जहाँ एक ज़मीन जो 40 साल पहले एक परिवार सुन्नी वक्फ बोर्ड को देता है, जिस पर कब्रिस्तान बनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ स्थानीय लोग मिलकर अपनी बिना अनुमति के, सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी अनुमति नहीं ली जाती है, प्रशासन से भी अनुमति नहीं ली जाती है, नक्शा भी पास नहीं करवाया जाता है, वहाँ एक अस्थाई मस्जिद बना दी जाती है। वो मस्जिद चलती रहती है, वहाँ इबादत होती रहती है, बच्चों को कुरान की बातें पढ़ाते रहते हैं, दीन की बातें सिखाते रहते हैं, मगर एक टाइम अब ऐसा आता है जब मजबूरन स्थानीय लोगों को, मुसलमानों को, उस मस्जिद को अपने हाथों से ढाना पड़ता है, गिराना पड़ता है, शहीद करना पड़ता है, क्योंकि वो मस्जिद प्रशासन की नज़र में, सुन्नी वक्फ बोर्ड की नज़र में अवैध तरीके से बनी हुई थी, क्योंकि उसको पास नहीं कराया गया था। वो जगह, वो ज़मीन पर कब्रिस्तान तैयार होना था, तो अब खतौली टाउन में
उत्तर प्रदेश की बात है, वहाँ पर इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, एक एक ईंट वहाँ से हटा दी गई है। अब बात आती है कि क्या स्थानीय लोग दोबारा से सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात कर वहाँ मस्जिद तैयार करवाएंगे, या फिर स्थानीय लोग मिलकर बातचीत कर सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ वहाँ एक कब्रिस्तान, उस ज़मीन पर कब्रिस्तान का आयोजन करेंगे, ये बात हमें देखने वाली ज़रूरी है। आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खबर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब, नमस्कार।